हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शेखपुरा में भी मुश्तैल अफराद का पथराव। मुफाहमत के लिए आने वाले लीगी एमएनए जावेद लतीफ समेत 15 अफराद जख्मी। मोहम्मद अरबी के गुलाम बने, गुंडे ना बने, रास्ता दे दे ताकि वो अस्पताल तक जा सके। बाकी आपके साथ उस वक्त तक बैठेंगे जब तक आपका जायज मुतालबा पूरा ना हो जाए। लाहौर में मुजाहिरीन की हंगामा राई, थाना शाहदरा में तोड़फोड़, मोटरसाइकिलें जला दी। पुलिस ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को धर लिया। उकाड़ा, फैसलाबाद और गुजरखान में धरनों से रास्ते बंद, आवाम रुल गए। कलास से गुजर के आया हूँ, जहाँ पे भी जा रहा हूँ गलियों में, बाजारों में, मेन रोड सारे बंद है और इतना तंग हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप जिला कौंसिल चौक में देख ले, वहाँ पे भी हर जगह धरना दे के बैठे हुए हैं। शहर से बाहर निकल कर रास्ता नहीं मिल रहा, कहीं जुलूस है, कहीं ट्रैफिक ब्लॉक है, बिल्कुल सारा शहर जाम पड़ा है। गुजरावाला में मुजाहिरीन ने रास्ते बंद कर दिए, कई दुल्हा सड़कों पर फंस गए। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरों से हालात कशीदा। मईशत के हब कराची में भी मुजाहरे, मुख्तलिफ मकामात पर धरना, सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, अवाम परेशान। स्टार गेट पर मुजाहरीन का पथराव, पुलिस की शेलिंग, 28 अफराद जख्मी, मुतादिद मुजाहरीन गिरफ्तार। नाथा खान पुल पर ट्रक जला दिया गया, पुलिस के साथ रेंजर्स का भी एक्शन। बेशतर इलाकों में ट्रैफिक बहाल करा दी। हैदराबाद और सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इंतजामिया ने हर मुमकिन कोशिश की है कि कोई जान और माल का नुकसान ना हो। ये लोग ऐसे अजाइम से आए हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ जानी अमवात हों, इंसानी अमवात हों। मुज़ाकरात एक अच्छा हल है और हम हर वक्त इसके लिए तैयार हैं। भरने वाले इतने सादा नहीं, एक जमात मुल्क में इंतशार फैला रही है। कोशिश है कम से कम नुकसान के साथ फैजाबाद खाली कराया जाए। वज़ीर दाखला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ को शहर इख्तदार की हालत पर तश्वीश, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफोन, धरने का मामला पुरअमन तौर पर हल करने का मशवरा दे दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हुकूमत और मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें, तशद्दुद कौमी मफाद और यकजहती के मुनाफी है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमती सफों में फूट, सेनेटर सोले शाह का वजीर कानून से इस्तीफे का मुतालबा, कहा खूनरेजी से बचने के लिए जाहिद हामिद मुस्ताफी हो जाएं। फैजाबाद ऑपरेशन पर लीगी एमपीए निजामुद्दीन सियाफी का मुस्ताफी होने का ऐलान, मुतालबा तस्लीम ना होने पर 18 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के इस्तीफे की धमकी भी दे दी। चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान का मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तश्वीश, कहा हालात को ऐसे कंट्रोल करना हुकूमती ना अहली है। मुजाहिरों के सबब कप्तान का दौरा कराची भी मुलतवी। और कानून की आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और जो जमहूरी अमलदारी है या सिविलियन अमलदारी उसको हर हाल में नाफिज होना चाहिए। धरने का कोई कानूनी जवाज नहीं, मामला हसास है, कानून की बालादस्ती के लिए ऑपरेशन तो होना ही था। डॉक्टर फारूक सत्ताह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा
ऑपरेशन के लिए हुकूमत को सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। पेमरा ने मीडिया को फैजाबाद ऑपरेशन की लाइव कवरेज से रोक दिया। मुल्क के बेशतर शहरों से केबल पर न्यूज चैनल्स बंद। फैजाबाद धरने के खिलाफ ऑपरेशन से मुल्क की सूरत हाल कशीदा। पीटीए ने बेशतर वेबसाइट्स बंद कर दी। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और डेली मोशन बंद। सूरत हाल बेहतर होने तक साइट्स बंद रहेंगी। तर्जुमान पीटीए का ऐलान। फैजाबाद धरना नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी असरअंदाज। लाहौर ब्लू का फाटा और लाहौर व्हाइट का फैसलाबाद से सेमीफाइनल ना हो सका। आईनी इस्लाहात बिल पर असेंबली से गैर हाजिर अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में लीगी क़यादत का गौर। नए वजीर खजाना की तैनाती पर भी सलाह मशवरे। मुकदमा से मुतालिक अमूर का जायजा। शरीफ खानदान पर एहतसाब का शिकंजा मजीद तंग। नैब की हुदैबिया पेपर्स मिल केस दोबारा खोलने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच भी तश्कील दे दिया। समाअत 28 नवंबर को होगी। शर्जील इनाम मेमन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। गिरफ्तारी नैब कानून के खिलाफ वर्जी है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौके। फारूक सत्तार, आमिर खान और दीगर के खिलाफ बगावत और मीडिया हाउसेस पर हमले का केस। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान को केसेस की नकूल फराहम करने का हुक्म दे दिया। कोयटा दहशतगर्दों के निशाने पर कमांडर एफसी की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला। 5 अफराद जान बहा। 6 एफसी एहलकारों समेत 25 जख्मी। कमांडर एफसी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल। जिस तरह हमने इससे पहले जितने हम पर हमले हुए हैं हमने रिस्पॉन्ड किया है और जो दहशतगर्द हैं उनको जानम वसल किया है। इंशाल्लाह ताला इस वाक़े के जो फैसिलिटेटर्स होंगे, जो सिंपथाइजर्स होंगे, वो भी जानम वसल होंगे। दहशतगर्दों से डर कर घर पर नहीं बैठेंगे। सरफराज भुट्टी का 2 टोक पैगाम। कहा शवाहिद इकट्ठे कर लिए। फॉरेंसिक तहकीकात के लिए टीम तश्कील भी दे दी गई। मस्जिद पर दहशतगर्द हमले में 305 अफराद की मौत। मिस्र की फिजा आज भी सोगवार। जहां भाग अफराद की तदफीन। दहशतगर्दों के खिलाफ मिस्री हुकूमत का ऑपरेशन शुरू। मुतादिद ठिकानों पर बमबारी। जहां भाग अफराद से यकजहती के लिए एफल टावर की बत्तियां गुल। बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापसी 2 माह में शुरू हो जाएगी। बांग्लादेशी वजीर खारजा का ऐलान। बांग्लादेशी मुहाजिर कैंप्स में 8 लाख रोहिंग्या पनाह गुजीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिस्वी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अदालती हुक्म पर फैजाबाद धरना खत्म कराने के लिए हुकूमत एक्शन से मुतालिक। फोर्सेस ने आज सुबह सवेरे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए एक्शन किया। दिन भर फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होती रहीं। शरपसंदों ने मीडिया और पुलिस की गाड़ियों को भी नजरे आतिश कर दिया। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस एहलकार शहीद
और दर्जनों जख्मी हो गए। अदालती हुक्म के बाद फैजाबाद से धरना खत्म कराने के लिए सुबह 7 बजे के करीब फोर्सेस का एक्शन। पुलिस, रेंजर्स और एफसी के जवानों ने धरना शुरू पर आंसू गैस के शेल दागे। वाटर कैनन का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने टोलियों की शक्ल में फोर्सेस की मजाहमत की और शदीद पथराव किया। गुलेलों का भी इस्तेमाल किया गया। शरपसंदों के पथराव से पुलिस अहलकार शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। शदीद शेलिंग के बाइस करीबी इलाकों के मकीन और वहां से गुजरने वाले अफराद शदीद मुतासिर हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। शेलिंग के बाइस मरी रोड पर वाकई मुतादित तालीमी इदारे खाली करा लिए गए। ऑपरेशन की फिजाई निगरानी भी की जाती रही। कई घंटों की झड़पों के बाद फोर्सेस ने शेलिंग बंद कर दी और हिकमत अमली के तहत पीछे हट गए, जिसके बाद धरना मुजाहिरीन दोबारा अपनी जगह पर बैठ गए। इस्लामाबाद में फोर्सेस के एक्शन के बाद चंद मजहबी जमातों ने मुनज़्ज़म अंदाज से मुख्तलिफ शहरों में हंगामा आराई शुरू कर दी, तोड़ फोड़ की और जलाओ घेराव किया। मरी रोड पर चौधरी निसार और पसरूर में वज़ीर क़ानून ज़ाहिद हामिद की रहायशगाह पर हमले किए। शेखुपुरा में रुकन कौमी असम्बली मियाँ जावेद लतीफ को डंडों के वार करके जख्मी कर दिया। अदालती हुक्म पर धरना खत्म कराने की इंतजामिया की कोशिश के बाद मुल्क के दीगर शहरों में मुनज़्ज़म अंदाज से एहतजाज शुरू किया गया। फैजाबाद में एक्शन के बाद मुजाहिरीन की एक टोली मरी रोड पर वाके चौधरी निसार की रिहायशगाह पहुंच गई, जहां उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तहम वहां मौजूद गार्ड्स ने सूरत हाल कंट्रोल कर ली। इसी दौरान पसरूर में एक जत्था वफाकी वजीर कानून ज़ाहिद हामिद की हवेली में घुस गया और तोड़ फोड़ की। पुलिस के पहुंचने पर शरपसंद फरार हो गए। उधर शेखुपुरा में नून लीग के रुकन कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ पर मुजाहिरीन ने डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जावेद लतीफ समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। जावेद लतीफ का कहना था कि वो मुजाहिरीन से बातचीत के लिए पहुंचे थे। मोहम्मद अरबी के गुलाम बने, गुंडे ना बने, रास्ता दे दें ताकि वो अस्पताल तक। बाकी मैं आपके साथ, मेरा सारी जो शेखुपुरा के लोग हैं आपके साथ यहाँ उस वक्त तक बैठेंगे जब तक आपका जायज मुतालबा पूरा ना हो जाए। मुल्क के दीगर शहरों में भी सरकारी इमलाक पर हमले किए गए। तो ये तो था दिन भर का अहवाल। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में धरने के शुरका ताहाल मौजूद हैं और ताजा तरीन क्या सूरत हाल है ये जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अली फुरखान से, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे। तो अली बताइएगा, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं धरने में और क्या अपडेट्स हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं और कायदीन क्या कहते हैं? जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाईवे पे I-8 के फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूँ। फैजाबाद का जो इंटरचेंज है वो मेरे पीछे है, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर वो मुकाम है जहाँ के पे धरना के जो मुजाहिरीन हैं वो बैठे हुए हैं। इस वक्त जो है वो मुकम्मल सन्नाटा है, मुकम्मल सुकून है। सुबह से जो शुरू हुआ था सिलसिला यहाँ पे वो अब थम चुका है।
मुकम्मल तौर पे चूंकि दिन भर जो है वो मुजाहिरीन और जो पुलिस और एफसी के जो एहलकार है उनके दरमियान झड़पें चलती रही, वक्फे से वो मुख्तलिफ जो है शाहराएं हैं उनके ऊपर फैलती रही और वो अब जो है तमाम मुजाहिरीन और एफसी और पुलिस के जो जवान हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर एग्जॉस्ट हो चुके हैं और इस वक्त जो धरने के मुजाहिरीन हैं वो फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर मौजूद हैं और जो एफसी और पुलिस के एहलकार हैं वो भी इस वक्त जो है वो उस साइडों के ऊपर मुख्तलिफ जो शाहराएं हैं उनके किनारों के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ आग जो है उसका अलाव ले रहे हैं, वहाँ पे महफिल जो है वो चल रही है इस वक्त जो है यहाँ पे ये सूरत है। फैज़ाबाद के मरकजी मकाम और उसके तराफ की जो शाहराएं हैं वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दी गई हैं और काफ़ी शदीद किस्म का अंधेरा है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई पुलिस और एफसी की बहुत जो बड़ी तादाद है वो नहीं है बल्कि कम तादाद में जो है वो यहाँ पे मौजूद है और वो भी धरने के जो मकाम है उससे कुछ फासले के ऊपर अपने आप को वहाँ पर उन्होंने महदूद रखा हुआ है। उधर वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल कहते हैं कि अदालती अहकामात की रोशनी में ऑपरेशन शुरू किया, धरने में भारी असलहा मौजूद है, धरने वाले आलमी साजिश का शिकार है, धरना मुजाहिरीन मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। सरकारी चैनल को इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि धरने वाले जगह को फौरी क्लियर कर दें, हुकूमत ने धरना खत्म कराने की हर मुमकिन पुरअमन कोशिश की है। इंतजामिया ने हर मुमकिन कोशिश की है कि कोई जान और माल का नुकसान ना हो। ये लोग ऐसे अजायम से आए हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ जानी अमवात हों, इंसानी अमवात हों। मुज़ाकरात एक अच्छा हल है और हम हर वक्त इसके लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफोन किया और धरने के मामले को पुरअमन अंदाज से हल करने की तजवीज दी। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों जानिब से तशद्दुद से गुरेज किया जाए क्योंकि मौजूदा सूरत हाल कौमी मफाद और हम आहंगी के खिलाफ है। इस्लामाबाद में हुकूमत रिट कायम करने के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज किया गया, मुजाहिरीन ने शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया और एक पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी। सड़कें बंद होने से अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, वाकयात में एक शख्स जान बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। इस्लामाबाद की अबतर सूरतहाल ने पंजाब को भी अपनी लपेट में ले लिया, मुश्तइल अफराद सड़कों पर निकल आए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। लाहौर में मुजाहिरीन ने ठोकर नियाज बेग, चेरिंग क्रॉस, दाता दरबार चौक और शाहदरा चौक को ब्लॉक कर दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने शाहदरा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। शहरियों ने जलाओ घेराव की शदीद मुजम्मत की है। मैं इतनी मुश्किलात से गुजर के आया हूँ, जहाँ पे भी जा रहा हूँ गलियों में, बाजारों में, मेन रोड सारे बंद हैं। और इतना तंग हुए मैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब जिला काउंसिल चौक में देख लें, वहाँ पे भी हर जगह धरना दे के बैठे हुए हैं। शहर से बाहर निकल कर रास्ता नहीं मिल रहा, कहीं जुलूस है, कहीं ट्रैफिक ब्लॉक है, बिल्कुल सारा शहर जाम पड़ा है। हाफजाबाद में मोटरवे ब्लॉक कर दी गयी, झड़पों में एक शख्स जान की बाजी हार गया। गुजरावाला, सरगोधा, शाहकोट, डस्का का भी एहतजाज हुआ। उधर फैजाबाद धरने के शुरका के खिलाफ एक्शन के बाद लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने भी धरना जारी है। रेंजर्स ने पंजाब असेंबली और वाबडा हाउस की सिक्योरिटी संभाल ली है। अहवाल क्या है जानेंगे, आज यूज़ के नुमाइंदे अदनान खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। अदनान बताइएगा क्या सूरत हाल है, रेंजर्स ने सिक्योरिटी संभाल ली है?
जी फैजाबाद धरने के खिलाफ जैसे ही आज सुबह पुलिस ने एक्शन लिया, उसके बाद लाहौर शहर में भी जो है लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनों की जनब से मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी धरनों का और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर में तकरीबन 10 से ज़ायद ऐसे मुकामात पर जहाँ पर आज लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनों की जानब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों स्पेशली ठोकर न्याज बेग, बाबू साहब इंटरचेंज और इसके अलावा शाहदरा के इलाके में जो है काफ़ी ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरा देखने में आया और सूरत हाल आज काफ़ी कुशीदा रही। तकरीबन आज 10 से ज़ायद ऐसे लाहौर के मुकामात थे जहाँ पर लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली चेयरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली के बाहर जो है लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनों ने एहतजाजी धरना दे दिया और यहाँ पर टेंट्स भी लग गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स की भी जो है भारी नफरी जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त मौजूद है और बाहर भी मौजूद है, जिन्होंने वापडा हाउस और इसके अलावा पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया है। लेकिन पुलिस की जानब से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, पुलिस की भी यहाँ पर कोई नफरी दिखाई नहीं दे रही। सुबह के टाइम जो है आज पुलिस की काफ़ी नफरी जो थी वो मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई, बख्तरबंद गाड़ियाँ लगाई गई, इसके अलावा प्रिजन वैंस लगाई गई और वाटर कैनन्स लगाई गई, लेकिन कुछ देर बाद ही इन सब चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया। अब यहाँ पर जो है लब्बैक या रसूल अल्लाह की मुकामी क़यादत की जानब से तकरीरों का सिलसिला अंदर जारी है और कारकुन अपने पार्टी के और इसके अलावा अपने क़यादत के हक़ में नारे लगा रहे हैं और अपने मुतालबात मंजूर करवाने के लिए इनका एहतजाजी धरना आज लाहौर में भी जारी है। जी पिशावर, एबटाबाद, हरिपुर और मानसहरा में भी मुजाहरों ने आवाम को परेशान किए रखा। सड़कें बंद होने से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में शदीद दुश्वारी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में मुश्तइल अफराद ने बाजार बंद करा दिए। मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाजी रैली निकाली और पाक चीन शाहरा पर धरना दे दिया। शाहराह कराकरम की बंदिश से मुसाफिरों और मरीजों की जिंदगी अजीरन हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मुश्तइल अफराद ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और तोड़फोड़ की। इस्लामाबाद धरने के खिलाफ ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर पैमरा ने तमाम न्यूज चैनल्स को लाइव कवरेज से रोक दिया है। पैमरा के मुताबिक मीडिया कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2015 के तहत बराह रास्त कवरेज ना करे। यह हिदायत इस्लामाबाद इंतजामिया की दरखास्त पर जारी की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पोजीशंस बराह रास्त ना दिखाई जाएं। पैमरा की जानिब से मीडिया हाउसेस को स्टाफ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई। कराची और पिशावर समेत मुल्क भर में तमाम चैनल्स की नशरियात बंद होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। फैजाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में धरने और एहतजाज से रास्तों की बंदिश ने आवाम को मुश्किलों से दो चार कर दिया। शहरी कहते हैं कि उनका क्या कसूर है कि घरों से निकलना मुश्किल हो गया। एहतजाज और दरपेश मसाइल पर शहरियों का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। क्या कसूर है, हमें किस चीज़ की सजा दे रहे हैं कि भाई हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमारा कोई काम होता है, मसला होता है, हजारों किस्म की परेशानियां होती हैं, तो हमारे रास्ते रोजाना क्यों बंद होते हैं? तो आवाम के लिए और भी मुश्किल आते हैं, ये सारे रोड बंद कर दिए गए हैं, इनका ये मसला इतना जल्दी नहीं हल होता। इस्लाम तो ऐसा नहीं है जो रास्ते बंद कर दिया था इसने, सही है, ये तो कोई सेट पर ऐसा हो जाता है तो ब्रिटिक हो जाएगा, ये तो इस्लाम नहीं है। सब हमने नमाज भी नहीं पढ़ा है, सबको नमाज कज़ा की है, तो ये तो गलत काम है ना। इसलिए शहरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, ना हुकूमत को कुछ फर्क पड़ रहा है ना इनको पड़ रहा है। इन सारे पार्लियामेंटेरियन के जब बच्चों को मसला बने ना फिर पता चलता है क्या हाल होना है। ये सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं और हम गरीब आवाम जो है ना वो धक्के खा रही है। दीगर शहरों की तरह कराची में भी मजहबी जमातों ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए। सड़कों पर टायर जलाए, तसादुम के दौरान कई अफराद जख्मी हो गए। रेंजर्स ने सूरत हाल कंट्रोल की। इस्लामाबाद एक्शन का रद्द अमल कराची में भी नजर आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए जिनमें दो पुलिस और एक रेंजर एहलकार समेत 35 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। नुमाइश चुरंगी, अल्लावाली, न्यू कराची, तीन अट्टी, शारा फैसल, मलीर, हसन स्क्वायर, नागन चुरंगी, सखी हसन, नाथा खान ब्रिज, स्टार गेट, टावर, तीन तलवार, हब रिवर रोड और सैराब गुट समेत दीगर मुकाम पर मुजाहरे किए गए। स्टार गेट पर दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली होती रही। कई पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन जख्मी भी हुए। दो गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया। सदर के इलाके में मुजाहिरीन और पथारे वालों में तसादुम हो गया, कई अफराद जख्मी हुए।
احتجاج کے باعث عام شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ ڈی جی رینجرز کے حکم کے بعد رینجرز اہلکاروں نے شہر میں گشت شروع کر دیا ہے۔ کراچی سے ہی خبر دیں، جہاں مذہبی جماعت کا نمائش چورنگی پر ساتویں روز بھی دھرنا جاری ہے۔ شہر میں پولیس سے جھڑپوں میں دو پولیس اہلکاروں سمیت 35 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے فیضان جلی سے۔ فیضان، نمائش چورنگی پر جاری دھرنے کی آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، نمائش چورنگی پر بھی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے دھرنا آج ساتویں روز بھی جاری ہے۔ آج صبح جب اسلام آباد میں جو دھرنا جاری تھا اس کے خلاف عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے انتظامیہ نے آپریشن پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تاہم کراچی بھر میں دیگر مختلف مقامات پہ بھی دھرنے دیے گئے، جلاؤ گراؤ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نمائش چورنگی کے علاوہ دیگر مقامات پر کچھ جو ہے وہ پولیس اور دھرنے والے شروع ہیں ان میں جھڑپیں بھی جنہیں اور دیگر نجی اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ تاہم اب بھی جو ہے وہ نمائش چورنگی پہ دھرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دیگر علماء اکرام جو ہے وہ وقفے وقفے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کافی بڑی تعداد میں دھرنے کے شرکا موجود ہیں۔ شام کے اوقات کار میں جو ہے وہ کچھ ریلیوں کی صورت میں جو دھرنے کے شرکا یہاں پر نمائش چورنگی پر اب پہنچے ہیں۔ تاہم اگر سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو پولیس کی کہیں پہ بھی کوئی نفری نظر نہیں آتی۔ رینجرز کی کچھ اہلکار ہیں جو کہ اس دھرنے کے مقام سے کچھ دوری پر جو ہے وہ معمور ہیں۔ جی تو نمائش چورنگی کا احوال آپ نے جانا، فیضان جلیس کی زبانی۔ اس وقت آج نیوز کے نمائندے شہریار ساجد شارہ فیصل پر موجود ہیں، وہاں پر بھی دھرنا دیا گیا ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ شہریار بتائیے گا کہ شارہ فیصل پر تازہ ترین کیا صورتحال ہے، کن کن مقامات پر دھرنا دیا ہوا ہے، آپ کس مقام پر موجود ہیں؟ جی اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں مین شارع فیصل سے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے الٹے ہاتھ پہ دونوں ٹریک جو ہیں وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بحال کر دیے گئے ہیں۔ مین سٹار گیٹ کے اوپر مظاہرین بیٹھے ہوئے تھے، ان کو منتشر کیا گیا، وہاں سے سڑک کھولی گئی۔ اس کے بعد نرسری کے اوپر ٹائر نظر آتش کیے گئے تھے، یہاں پر بھی روڈ بلاک کی گئی تھی، اب یہ بھی مکمل طور پر کھول دی گئی ہے۔ اور اس وقت میں نرسری کے پل پہ موجود ہوں، اور میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ٹائر جلائے گئے تھے اور یہاں پہ بھی روڈ بلاک کی گئی تھی، لیکن اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مین شارع فیصل ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو ارد گرد کی جو جتنی بھی دیگر سڑکیں وہ مکمل طور پر اس وقت ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہیں۔ جی دھرنے کے خلاف آپریشن کے بعد حکومتی صفوں میں بھی درار پڑ گئی ہے۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والے لیگی ایم پی اے نظام الدین سیالوی نے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی، جبکہ جے یو آئی فے کے حکومتی سینیٹر صالح شاہ نے بھی وزیر قانون زاہد حامد سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ گھنٹے کے اندر اندر سب جو میرے تعلق والے مستعفی ہو جائیں۔ کچھ کرو تو مشکل، نہ کرو تو مشکل۔ حکومت نے دھرنا ختم کرنے کی ٹھانی تو ہر طرف سے افتاد آن پڑی۔ سرگودا پی پی 37 سے نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی نظام الدین سیالوی نے بغاوت کر دی، کہتے ہیں 48 گھنٹوں کا وقت دے رہا ہوں، اگر مظاہرین کے خلاف آپریشن روک کر مطالبات نہ مانے گئے تو 18 رکن قومی و صوبائی اسمبلی مستعفی ہو جائیں گے۔ اگر گورنمنٹ مطالبات نہیں مانے گی تو سارے جو متعلقین یا تعلق والے استعفی دیں گے۔ اس گارنٹی کے حوالے سے میں ابھی اعلان کرتا ہوں، اللہ میرا حکومت سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں۔ 48 گھنٹے کے اندر اندر اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو ایم این اے اور ایم پی اے سب جو میرے تعلق والے مستعفی ہو جائیں گے۔ دوسری آواز آئی حکومتی اتحاد میں شامل جے یو آئی فے سے، جس کے سینیٹر صالح شاہ نے مطالبہ کر دیا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، خون ریزی سے بچنے کے لیے وزیر قانون زاہد حامد ختم کرانے کے لیے فوج کو طلب کر لیا۔ وزارت داخلہ نے فوج کی طلبی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی طلبی غیر معینہ مدت تک کے لیے کی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بڑی خبر ہے کہ وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا ختم کرانے کے لیے فوج کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے فوج کی طلبی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آج اس صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے احتجاجی مظاہرین اور اسلام آباد پولیس کے درمیان۔ ایف سی کے اہلکار بھی معاونت کر رہے تھے اسلام آباد پولیس کی، لیکن صورتحال مسلسل خراب ہوتی رہی، اور صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ 200 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا ختم کرانے کے لیے
फौज को तलब कर लिया है। उधर कोयटा में दहशतगर्दी के वाकयात ने फिर सर उठा लिया। फोर्सेस की गाड़ी पर खुदकुश हमलों का सिलसिला रुक नहीं सका। मासूम बच्चे और राहगीर खुदकुश धमाके की जद में आ गए। 5 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए और दर्जनों जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। कोयटा से मोहम्मद खालिद मसीद बताएंगे। उस दिन दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर लिया। कोयटा में एक बार फिर हमला किया गया और कमांडेंट एफसी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुबैना खुदकुश हमले में बच्चे समेत 5 अफराद शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। हमले के वक्त कमांडेंट एफसी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज में धमाका होते देखा जा सकता है। सूबाई वजीर दाखला सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशत गर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। जब आप जंग किसी सूरत हाल में होते हैं तो इस तरह के वाकयात को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। हम इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने इससे पहले जितने हम पर हमले हुए हैं हमने रिस्पॉन्ड किया है और जो दहशत गर्द हैं उनको जानम वसल किया है। इंशाल्लाह ताला इस वाक़े के जो फैसिलिटेटर्स होंगे, जो सिंपथाइजर्स होंगे, वो भी जानम वसल होंगे। DIG कोयटा अब्दुल रजाक चीमा ने कहा कि वाकया सिक्योरिटी में खामी नहीं। दहशतगर्द ये समझते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा रुकावट किस तरफ से आ रही है, तो जिधर से आती है फिर उनकी उस तरफ लड़ाई हो जाती है। तो सिक्योरिटी लैब्स का इशू नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो उसमें नाकाम। कोयटा में फोर्सेस पर मुसलसल हमलों के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कैमरामैन मोहिबुल्ला के हमरा मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़ कोयटा। दीगर मौजूदात पर बात करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर्स मिल केस खोलने के लिए दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच नैब की अपील पर 28 नवंबर को समाप्त करेगा। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और अब हुदैबिया पेपर मिल्स केस की समाप्त भी होगी। नैब ने केस की समाअत के लिए अपील कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मदर आलम मियां खेल बेंच में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर आला पंजाब समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। सियासी बहरान से कैसे निमटा जाए, मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने सर जोड़ लिए। जाती उम्रा लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक समेत दीगर वफाकी और सूबाई वुजरा ने भी शिरकत की। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, धरने के शुरका के खिलाफ ऑपरेशन से पैदा होने वाली सूरत हाल और नैब केसेस समेत दीगर अमूर पर मुशावरत की गयी। पार्टी राय के मुताबिक इजलास में मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से पॉलिसी भी मुरतब की गई है। अब आपको बताएं कि फारूक सत्तार का कहना है कि धरने का कतई कानूनी जवाज नहीं है, मामला हसास है, कानून की बालादस्ती के लिए ऑपरेशन तो होना ही था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में MQM पाकिस्तान के सरबरा ने कहा कि ऑपरेशन के लिए हुकूमत को सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। हमारा अलायंस पाकिस्तान के अवाम से है, हम अपना वोट बैंक तकसीम होने नहीं देंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मरदमशुमारी के मुतासरा इलाकों का ऑडिट और कराची के 100% इलाकों की दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए। हुकूमत ने सारी सियासी जमातों को इस मामले में एक मरतबा फिर एतमाद में नहीं दिया। बताना चाहिए था कि वो क्या कोशिशें कर चुके हैं, किन उलमाए कराम से बात कर चुके हैं, लेकिन वो सारी बातें ये PMA लेन वालों का भी यही वतीरा है कि वो सोलो फ्लाइट पर ही जाते हैं। हमारा कल भी अलायंस पाकिस्तान के आवाम के साथ था और बिलखसूस सिंध के शहरों में रहने वालों के साथ, सिंध के शहरी वोट बैंक के साथ। वो हमारा कल भी था, आज भी है और इंशाल्लाह वो अलायंस कल भी रहे। हमारा NSR जो है वो आवाम पर है, अपने वोट बैंक पर है और उसको हम तकसीम नहीं होने देंगे। बल्कि हम क्या, आवाम अपने वोट बैंक को तकसीम नहीं होने देंगे। हम इस 5% पर भी जो है वो बड़े तरद्दुद के साथ राज़ी हुए, क्योंकि हम तो कहते हैं कि
100% कम अज कम कराची में मरदमशुमारी दोबारा होगी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में बगावत और मीडिया हाउसेस पर हमले के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने मुजरिमान को केसेस की नकुल फरहम करने का हुक्म दिया है। बगावत और मीडिया हाउसेस पर हमला केस, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में समाअत। मुलजमान डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान और दीगर पेश हुए। अदालत ने मुलजमान को मुकदमात की नकुल फरहम करने का हुक्म दिया। मुलजमान पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। अदालत ने समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान का कहना था कि PSP वालों ने खुद बता दिया है कि वो किस पार्टी के हैं। आपको बताते हैं कि वजीर आला सिंध ने हब रिवर रोड का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर वजीर आला सिंध का कहना था कि इलाके से हकीम सईद मरहूम की वजह से दिली लगाव है। वजीर आला सिंध ने इफ्तिताह करते हुए कहा, पूरे पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। जल्द नई तरक्याती स्कीम के तहत ICI ब्रिज पर भी काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तालीम, सेहत और शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जा दे रहे हैं। वजीर आला सिंध ने इस इलाके के लिए बारिश के पानी ड्रेन की तामीर करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा वजीर आला सिंध ने सरजानी मोड़ से मदीनतुल हिकमत रोड का भी इफ्तिताह कर दिया। उधर कराची की मकामी अदालत ने गुज़श्ता रोज बस हादसे के मुलजिम ड्राइवर को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बस हादसे में 4 साल बच्ची जान बहक हो गई थी। शाम हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते खंडे पे बिठा रो पापा। कराची के जुडिशनल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में 4 साल बच्ची सकीना की हलाकत में मुलजिम बस ड्राइवर सलीम को पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजिम की मदद से दूसरी बस के ड्राइवर को पकड़ना है। ओवरटेक की वजह से बच्ची की हलाकत हुई। अदालत में पेशी के बाद बस ड्राइवर सलीम का कहना है कि तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, जिससे हादसा पेश आया। सिंगल भी खुला था और मैंने सिंगल से पहले ब्रेक किया, पेडल अंदर दब गया। जैसे पेडल दबा मैंने गियर मारा, मैंने नीचे नजर किया तो ये बॉडी से टकराया मोटरसाइकिल वाला, बच्ची उछल के नीचे। गुज़श्ता रोज MA जिना रोड पर 4 साल सकीना बस की टक्कर से हलाक हुई थी। अब आपको बताते हैं कि कमालिया मेयर अजाना रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 13 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कमालिया में रिजाना रोड शुगर मिल मोड़ के करीब मुसाफिर बस मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए उलट गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जान बहक, जबकि 13 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए BHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक कमालिया से है। इलाके में रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। आलमी खबरें शामिल करते हैं। मिस्र के सूबे सिनाई की मस्जिद पर होने वाले हमले में जान बहक अफराद की तादाद 305 हो गई। मिस्री हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मस्जिद पर हमले से पूरे मुल्क की फिजा सोगवार है। मिस्र में हर आंख अश्कबार है। हालिया तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी के बाद जनाजे उठे तो हर दिल अफसरदा था। जाँबहक होने वालों में 27 बच्चे भी शामिल हैं। मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले में मुलव्वस होने के शुबे में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी की है। उधर पेरिस में जाँबहक अफराद की याद में एफिल टावर की बत्तियां गुल कर दी गईं। म्यांमार हुकूमत बांग्लादेश के साथ मुहैदे के तहत रोहिंग्या मुसलमानों की वतन वापसी पर काम करेगी। वापसी आइंदा 2 माह में शुरू होगी। इस वक्त बांग्लादेश में 8 लाख रोहिंग्या मुसलमान पनाह गुजीन हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा अब्दुल हसन महमूद का कहना है कि तवील मुजाकरात के बाद रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए म्यांमार हुकूमत के साथ एक मुआहदा तय पाया है।
प्रत्यावासन प्रक्रिया शुरू होने वायदे के तहत 9 अक्टूबर 2016 और रवां साल म्यांमार से बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या मुसलमान अब वतन वापस जाएंगे, जिनकी वापसी का अमल आइंदा 3 हफ्तों या 2 माह में शुरू होगा। वजीर खारजा ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी में किसी भी किस्म के मसले को बांग्लादेश और म्यांमार हुकूमत मिलकर हल करेगी, जबकि दोनों ममालिक को अक्वामे मुत्तहदा हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के रजाकार फरहाम किए जाएंगे और बैनुल अक्वामी एजेंसियों की खिदमात भी हासिल होंगी। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने मुल्की सूरत हाल को देखते हुए कल मानसेरा में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया। आपको बताएं कि कल पीटीआई को जलसा करना था मानसेरा में और मुल्की सूरत हाल को देखते हुए जो जलसा कल होना था वो अब मनसूख कर दिया है। पीटीआई ने कल मानसेरा में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया। बिल्कुल, दाखिली तौर पर बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नजर ये फैसला किया गया है पीटीआई की जानिब से। अब क्या नेक्स्ट डेट दी गई है या फिर क्या लाहे अमल होगा पीटीआई का, ये जानेंगे। पिशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने हमें ज्वाइन किया है और अभी हमारा उनसे रابطہ नहीं हो सका है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि पीटीआई सेरा में होने वाला जलसा मंसूख कर दिया है और पीटीआई ने मौकिफ अपनाया है कि दाखिली तौर पर बदलती सूरत हाल के पेश नजर फैसला किया गया है। तो फरजाना बताइएगा, अब ये फैसला तो कर लिया है पीटीआई ने, कल मानसेरा का जलसा मंसूख कर दिया है, कोई अगली अनाउंसमेंट की है? नहीं जी, फिलहाल कोई अगली अनाउंसमेंट नहीं की। अब जो अभी जो हमें मल्टी मीडिया से इंफॉर्मेशन मिली है उसमें सिर्फ लिखी गई है, एक तो ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने कल मानसेरा में होने वाला जलसा मंसूख कर दिया है और दूसरा यही कहा है कि दाखिली तौर पर तेजी से बदलती हुई मुल्की सूरत हाल और शहादतों के पेश नजर ये सिलसिला जो जलसा था वो मनसूख किया गया है। पर्सनली उनसे बात की है, उनसे यही कहना था कि जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसमें ये जलसा करना मुनासिब नहीं लग रहा था, जल्द ही एक नई डेट और टाइम को अनाउंस कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फरजाना आपका हमें सिलसिले में अपडेट करने के।